गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास. टुडे वी विल डू बुक एक्सरसाइज. ओके, चूज द करेक्ट आंसर. सही आंसर को चूज करना है. व्हाट डज मीनाज वेयर टू स्कूल. मीना ने स्कूल के लिए क्या पहना, न्यू स्कूल यूनिफॉर्म और पार्टी ड्रेस. तो क्या पहना उसने, न्यू स्कूल यूनिफॉर्म. अब यहाँ पे लिख देंगे न्यू स्कूल यूनिफॉर्म. ये चीज, यही वाला आप पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे. ठीक है, फिर है इज टबी अलाउड इन स्कूल. क्या टबी अलाउ था स्कूल में? नो, नहीं था. ठीक है, फिर है वेयर इज टबी. टबी कहाँ है, एट होम या इन मीनाज बैग. तो क्या है आंसर, इन मीनाज बैग, मीना के बैग में. ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अपनी बुक में कर लेंगे. फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. सही सेंटेंस को टिक करना है और गलत सेंटेंस को रॉन्ग करना है. टबी इज मीनाज पैट डॉग. टबी मीना का पैट डॉग है. रॉन्ग, पैट कैट है टबी. ठीक है, मीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव टबी. मीना टबी को छोड़ना नहीं चाहती. यस, राइट. ओके, फिर है मीनाज बैग इज हैवी. मीना का बैग कैसा है, हैवी है. यस, फिर है मीना इज रेडी टू गो टू स्कूल. मीना रेडी है स्कूल के लिए. यस, टबी गोज टू स्कूल विद मीना इन हर बैग. टबी गया स्कूल मीना के बैग में. यस, इट्स राइट. ठीक है, फिर है थिंग्स यू नीड फॉर स्कूल कैन बी फाइंड इन द ग्रिल बिलो. इसमें आपके स्कूल जाने वाली चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, सर्किल द वर्ड्स वंस हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए हो रखा है, जैसे ये यूनिफॉर्म हो रखी है. ठीक है, फिर बुक्स. ओके, देन बैग BAG बैग, पेंसिल PENCIL, शूज SHOE शू, और S शूज. तो यहाँ तक शूज. ठीक है, तो इनमें आप इस तरीके से सर्किल कर देंगे. ओके, थैंक यू बेटा.